मयंक यादव एक ऐसा गेंदबाज जिसने अपनी गेंदबाजी से हड़कंप मचा कर रख दिया। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब गेंदबाजी कराई तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने घुटने टेक दिए। ग्रीन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज मयंक यादव के कहर के आगे खुद को बचा नहीं सके। उनकी दमदार गेंदबाजी को देखने के बाद खुद शोएब अख्तर ने भी अपनी जुबान खोली। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा मयंक यादव की गेंदबाजी को देखने के बाद। लेकिन अगर आप भी उनकी गेंदबाजी से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी शानदार बल्लेबाजी लखनऊ की तरफ से देखने को मिली। क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा 56 गेंद में 81 रन की पारी खेली और अंत में निकोलस ने 21 गेंद में 40 रन बनाए, जिसके चलते टीम 181 तक पहुंची। और उसके जवाब में विराट कोहली जब सलामी बल्लेबाज के तौर पर फाफ के साथ उतरे तो दोनों ने टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। 40 रन 4 ओवर में लग चुके थे। उसके बाद विराट 22 रन बनाकर आउट हुए तो फाफ ने भी 19 रन बनाए। इस बीच वह रन आउट हो गए। उसके बाद मयंक यादव गेंदबाजी पर आए, उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को अपनी दूसरी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। यह गेंद काफी ज्यादा तेज रफ्तार से थी और काफी ज्यादा बाउंस भी थी, जिसके आगे मैक्सवेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके और आउट हो गए। 3 विकेट आरसीबी के 43 रन के स्कोर पर गिर गए थे। और उसके बाद मयंक यादव लगातार अपनी गति से ग्रीन और पाटीदार को परेशान कर रहे थे और अंत में जीत मयंक यादव की हुई। तेज गति से आई हुई इस गेंद ने ग्रीन की गिलियां बिखेर दी। नवरंग के स्कोर पर उन्हें बोल्ड मार दिया। 103 रन के स्कोर पर 6 विकेट हो गए थे। लोमरोर कुछ बड़े शॉट जरूर खेली, जिसकी चलते मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मयंक यादव ने सिर्फ 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट हासिल कर लिए थे। उन्हें खेलने तो दूर, उनके सामने क्रीज पर रख पाना भी मुश्किल था। अंत में 4 ओवर में जीत के लिए 59 रन की जरूरत थी और लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करी। लेकिन मैच के विजेता मयंक यादव रहे, जिनकी गेंदबाजी देख शोएब अख्तर का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा, भारत ने सीरीज को डोर बदल डाला। इतनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज, वह भी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा है। मैंने पहली बार देखा उमरान से ज्यादा प्रभावी गेंदबाज मुझे यह मयंक यादव नजर आते हैं। गेंदबाजी वास्तव में कमाल है। यह वह गेंदबाज है जो भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला है। इसकी पेस को देखकर मैं भी पूरी तरह से हैरान हूं। उमरा के पास लाइन लेंथ नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है मयंक यादव को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अख्तर ने कहा, अगर यह इसी तरह से गेंदबाजी करता रहा तो भविष्य में मुझे भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। बता दे कि आज सबसे तेज IPL की 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मयंक यादव ने गेंद डाली। वैसे आप सभी उनकी शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।